नकली पुलिस द्वारा ऑटो सवारी से अवैध वसूली। जी हां, मामला दिल्ली के मॉडल टाउन इलाके का है, जहां एक संदिग्ध पुलिस वाले ने ऑटो सवारी को वसूली के लिए लाख घूंसों से बुरी तरह से पीटा। बाद में वही पुलिस वाले ने सवारी से 100 रुपए लिए और चलता बना। उसने उतार के अपने जो ऑटो में वो था आया हुआ, उसमें मुझे बिठा करके और फिर उसने मेरे साथ आता। अच्छा, ये जो पुलिस वाला था, इसका नाम क्या था पता है? सुभाष। अच्छा, इस दिल्ली पुलिस से था, कहाँ से कुछ पता चला इसको? सर वो डीटी उस पे लिखा हुआ था, डी और टी। जाहिर सी बात है, दिल्ली ट्रांसपोर्ट से था, दिल्ली पुलिस का डिपार्टमेंट होता है। अच्छा, ये बताइए इसने मारा क्यों आपको? सर ये मुझे भी नहीं आया समझ में, पर मुझे ऑटो से उतारा, दूसरे ऑटो में उसने बिठाया और उसने मुझसे ये बोला कि ऑटो में सामान लेके आना और फिर और उसने थोड़ी पी भी रखी थी, शराब भी पी रखी। हाँ जी, उसने साथ। अच्छा, जैसा कि मैंने खुद पूछा कि आखिर क्यों मार रहे हैं उसको, तो वो एकदम से घबरा गया और भाग गया। हाँ जी, वो फिर वो मुझे अपने ऑटो में बिठा के आगे ले जाके उन्होंने मुझे छोड़ दिया, उसको उतार दिया, मुझसे 100 रुपए उसने लिए और मुझे उतार दिया। पब्लिक ने जब उसको पकड़ा और मारने का कारण पूछा तो पुलिस वाले ने उनको वर्दी का रौब दिखाया। हैरान करने वाली बात ये थी कि पीड़ित ने जब पुलिस वाले की लिखित शिकायत की और पुलिस वाले का वीडियो भी दिखाया तो पुलिस वालों ने उसे अपने थाने का बताया ही नहीं। जानकारी के मुताबिक पीड़ित धर्मेंद्र परिवार के साथ उत्तम नगर इलाके में रहता है और वहीं वो कपड़े की दुकान चलाता है। शुक्रवार को जब वो गांधीनगर से कपड़ा लेकर ऑटो से घर की तरफ आ रहा था, उसी दौरान उसके साथ ये हादसा हुआ। फिलहाल पुलिस ने ये मामला अपने संज्ञान में ले लिया है और फर्जी पुलिस वाले की फोटो के तहत तलाश शुरू कर दी है। नवोदय टाइम्स के लिए शहजादा हाशमी की रिपोर्ट, दिल्ली।